अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वकास। अगर दोस्तों आपने जिस तरह भी जितने भी टेंसेस किए हैं, एक्टिव वॉइस किए हैं, पैसिव वॉइस किए हैं या कंडीशनल सेंटेंसेस जो भी किया है, अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू या कहीं वैसे भी क्वेश्चन दोस्त वगैरह पूछ रहे थे या कोई टीचर वगैरह पूछ रहे, तो वो उन्हीं से ही पूछता है। लेकिन अगर उनसे हटकर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे कोई भी पूछ लेता है, कोई फिकरा पूछ लेता है, इंटरव्यू में आप गए हो या कहीं भी आपको एकेडमी में पढ़ाने गए हो, किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए गए हो, डेमो देने के लिए गए हो, वहाँ पर आपसे कोई भी इस तरह का अगर फिकरा पूछ लेता है, तो ये तो टेंसेस से रिलेट नहीं करते, आपने जितना भी पढ़ा है, लेकिन ये उससे डेविएट करते हैं। तो मिसाल के तौर पर मुझे साहब सबक याद करना है, नून अलिफ ना है आ जाए, या मुझे इम्तिहान देना था, हमें इम्तिहान देना पड़ा या पड़ता था, या मुझे रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है, या मैंने स्कूल जा कर किताब खोली, अब जा कर किताब खोली, और रोटी पकाने के लिए आटा गूंदा, अब पकाने के लिए ये भी फेल आ गया, और उसमें आटा गूंदा गूंदना दो फेल आ गया एक सेंटेंस में। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको, या मैंने नदीम से सवाल हल करवाया, मैंने उसे पेपर हल करवाया, अब हल करवाया, हमने तो जो भी टेंसेस पढ़े हैं उसमें किया, हल किया, या नून अलिफ ता थे ता थी या ता है या चुका है या रहा है या रहेंगे वगैरह, गा गए वगैरह, इस तरह के किए हैं। तो इनकी फिकरात की जो इंग्लिश है वो किस तरह बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। ये बड़े इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जहाँ पर भी मैं एक दफ़ा एक डेमो देने गया था, एक तो वहाँ पर एक टीचर जो प्रिंसिपल था, उसने मुझसे पूछा था कि इसका फिकरा बनाओ कि मुझे स्कूल जाना है। तो तब मैं ये थोड़े से मेरे प्रिंस जब मैंने मैट्रिक किया था तब की बात है, तब मुझे, मैं बड़ा इस बात पर हैरान हुआ कि मैंने मुझे सारे टेंसेज आते हैं, मैंने बड़े बहादुरी से कहा मुझे तो सारे टेंसेज आते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं आया वो फिकरा। तो फिर मैंने ये चीज़ें ढूंढी, ये आप कहीं भी, आप किसी से भी पूछ सकते हो। तो यहाँ पर वो जो भी शख्स है, जितनी भी वो शौकी बगा रहा है, जो भी आपको बात करा, अगर आप इसमें इनमें से कोई बात कर लेंगे तो वो शायद वो वहाँ पर स्टक हो जाए, वहाँ पर उसको ना आए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जहाँ पर नून अलिफ ना आ जाए, अगर ये पर ना है, नून अलिफ ना है आ जाए, मुझे सबक याद करना है, तो वहाँ पर हम सबसे पहले क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मुझे, उसके बाद हम लगाएंगे इज, एम या आर, लेकिन इसके साथ हम टी ओ टू का इजाफा करेंगे, इज एम आर प्लस टी ओ टू। लेकिन एक बात जहन में रखनी, जहाँ भी टी ओ टू आ जाए ना, वहाँ पर जो भी सेंटेंस हो, जिस मर्जी टेंस का सेंटेंस हो, टी ओ टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर लेंगे, और उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मुझे सबक याद करना है, इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है मुझे, यानी कि आई, यहाँ पर मैं लिखूँगा आई, और प्लस आई के साथ क्या आता है, इज आता है, आर आता है, एम आता है, आई के साथ एम आता है, तो आई एम, और उसके बाद क्या मैंने लिखना है, टी ओ टू लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, याद, यहाँ पर वर्ब क्या है, फेल क्या है, याद करना, तो याद करने की इंग्लिश क्या होती है, लर्न, आई एम टू लर्न। अब क्या लिखना है आगे, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ याद कर रहा है, वो कर रहा है सबक याद, तो सबक यहाँ पर ऑब्जेक्ट, आई एम टू लर्न द लेसन, तो यहाँ पर ये लेसन, तो ये फिक्रा आपका मुकम्मल हो गया, मुझे सबक याद करना है, आई एम टू लर्न द लेसन। बिल्कुल इसी तरह आप आ जाएं, अगर मुझे इम्तिहान देना था, अब ना है आ गया और यहाँ पर ना था आ गया, तो सिंपल सी आपने क्या करना, सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पर इज एम आर लिखा, तो आपने लिखना है यहाँ पर वाज या वर, उसके बाद क्या लिखना है, टी ओ टू, बिल्कुल फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फिर उसी तरह ऑब्जेक्ट। अब हम इसका सेंटेंस बना लेते हैं, हमें इम्तिहान देना था, तो सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हमें की इंग्लिश होती है दे, और उसके बाद दे के साथ क्या आता है, वर आता है, जमा के साथ वर आता है, उसके बाद टी ओ टू, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, इम्तिहान देना, टेक, टेक का मतलब होता है इम्तिहान देना, टेक, और क्या देना है, इम्तिहान, एग्जामिनेशन, टेक द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ये वाला फिगर, अगर हम इस पर नहीं लगा दें, मुझे सबक याद नहीं करना, तो फिर टू से पहले हमने नॉट लगा देना, टू से पहले हमने
नाल लगा देना। हमेशा याद रखना टी और टू जो है वो वर्ब से पहले ही आएगा, वो वर्ब के साथ ही होगा। जो भी आपने चेंजिंग करनी है वो उससे पहले पहले, अगर हम इसी को क्वेश्चन सवालिया बना देंगे क्या मुझे सबक याद करना है, तो क्या होगा, सिंपली सब्जेक्ट से पहले एम आ जाएगा और फिर बिल्कुल फिक्रा वैसा के वैसा। अब ये तो ये हो गया, अब मुझे रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको मजबूरन कोई काम करना पड़ना पड़ता है, मुझे खाना खाना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे हंसना पड़ता है, शायराना बातें हो रही हैं, खैर जो भी है पड़ता है मुझे मजबूरन, तो मुझे रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है। तो हम सबसे पहले इसकी कैसे करेंगे, मुझे मतलब सब्जेक्ट आएगा, पढ़ता जहाँ भी आ जाए वहाँ पर आएगा हैव या हैज़ टी ओ टू, तो जहाँ भी पढ़ता आएगा वहाँ पर मुझे हैव या हैज़ प्लस टी ओ टू, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी। हालांकि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन टी ओ टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका कैसे बनाते हैं, मुझे रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ता, सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ क्या आता है आई हैव, उसके बाद टी ओ टू, तो क्या मुझे रोज़ाना कॉलेज जाना पड़ता आई हैव टू गो टू, ये टी ओ टू जो है वो गो के साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है डायरेक्शन को शो करने के लिए, गो टू। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, ये है ऑब्जेक्ट कॉलेज, तो मुझे अगर हम मैं यहाँ पर नहीं का लगा दूँ तो ना, यहाँ पर टू से पहले हम नॉट लगा देंगे। अगर इसी को मैं सवालिया बना दूँ तो ये जो हैव है ये इधर आ जाएगा और आई इसके बाद चला जाएगा। इस पर हमें इम्तिहान देना पड़ा, एंड पर पड़ा यानी कि अलिफ आ जाए या पढ़ता था ता था आ जाए, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। हैज़ हैव की माजी की पास्ट फॉर्म क्या होती है, हैड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टी ओ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हमें की इंग्लिश क्या होती है, वी, हमें इम्तिहान देना पड़ता था या पड़ा, वी, यहाँ पर हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, तो हम लिखने हैं वी हैड टी ओ टू क्या टेक द एग्जामिनेशन, वहाँ पर भी हम टेक द एग्जामिनेशन या टेक एग्जाम दा ना लगाएं। तो अब यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, अब हम कुछ और इसके बड़े इम्पोर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस वो सेंटेंसेस के, तो कुछ इम्पोर्टेंट इंतहाई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेंटेंसेस हैं फिकरात हैं वो ये है, मैं दाऊद ख़रीदने बाज़ार जाता हूँ या स्कूल जाकर उसने किताब खोली, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इनको समझ लेते हो, इनको याद कर लेते हो, तो आप सेल्फ राइटिंग आसानी से कर सकते हो। सेल्फ राइटिंग में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और जो जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा है जितने मर्ज़ी उसको टेंसेज आते हैं, यहाँ आकर वो थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रक हो जाता है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले आपको मैं एक रूल बताता चलूँ कि जो भी उर्दू और इंग्लिश की जो डिफरेंस होता है, वो एक तो ये डिफरेंस होता है कि उर्दू में जो फेल पहले आता है वही इंग्लिश में आपने उसका जो ट्रांसलेशन होती है वो बाद में करना होता है। मिसाल के तौर पर मैं दूध ख़रीदने बाज़ार जाता हूँ, अब ख़रीदना यहाँ पर एक फेल है, एक काम है, एक वर्ब है, तो ये फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये पहला फेल हो गया। अब यहाँ पर मैं उर्दू में चलो लिख देता हूँ, ये पहला फेल हो गया। अब दूसरा फेल क्या है, जाना, यहाँ पर मैं बाजार जाता हूँ, ये हो गया दूसरा फेल। तो सबसे पहले जो होता है जहाँ पर दो, अब इसमें फेल आ गया, मैं दूध खरीदने बाजार जाता हूँ, तो सबसे पहले क्या करता है वो काम, सबसे पहले काम वो क्या करता है, सबसे पहले वो बाजार जाता है। इंग्लिश में सबसे पहला फेल वो होता है जो सबसे पहले काम होता है, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या हो रहा है, वो बाजार जा रहा है, बाजार जाने के बाद वो दूध खरीदता है। तो सबसे पहले हम जिस चीज़ की ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में वो वाली करेंगे जो सबसे पहले काम होता है। सबसे पहले काम क्या हो रहा है, बाजार जाना, तो क्या है, मैं बाजार जाता हूँ, तो सबसे पहले ये टेंस के मुताबिक होगा, मैं बाजार जाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होती है, आई गो टू बाजार। अब यहाँ पर ये तो बिल्कुल सिंपल सा आ गया, तो लेकिन वहाँ पर जब दूसरे वाला होता है, इस पर आपने यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, जहाँ पर भी मैं दूध खरीदने, अब यहाँ पर आपने क्या लगाना है,
टी ओ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां पर अब आ गया पहला मुकम्मल हो गया, तो टी ओ टू लगा देना और फर्स्ट फॉर्म में आई गो टू बाजार, क्या करने बाजार जाता हूं, टू बाय मिलक, यानी कि मैं दूध खरीदने के लिए बाजार जाता हूँ। दोबारा आप इसको अंडरस्टैंड कर लें कि जो पहले काम होता है बाजार वो पहले जाता है, उसका आपने टेंस के मुताबिक करना है, यानी कि मैं बाजार जाता हूँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो आई गो टू बाजार, किस लिए जाता हूँ, दूध खरीदने के लिए। तो जो दूसरा है उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे फेल के लिए टी ओ टू का लफ्ज़ लगा देना है और टी ओ टू के बाद आपने बिल्कुल बी यू वाई बाय बाय मिल्क बिल्कुल उसी तरह आगे सेंटेंस लिख देना। अब इसके दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, माँ ने रोटी पकाने के लिए आटा गूंदा। अब सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, क्या हुआ, सबसे पहले आटा गूंदा गया है, तो जो सबसे पहले काम होता है उसका हमने टेंस के मुताबिक उसकी ट्रांसलेशन करनी है। आटा गूंदने की इंग्लिश क्या है, माँ ने आटा गूंदा, अब ये इसका तो क्या आएगा, द मदर, यहाँ पर आ जाएगा द मदर और नीडिड आटा गूंदने की इंग्लिश नीडिड फ्लोर एफ एल योर फ्लोर, तो माँ ने आटा गूंदने के लिए क्या, आटा गूंदा, तो अब रोटी पका, किस लिए आटा गूंदा, रोटी पकाने के लिए। अब बाद में जो काम हुआ वो रोटी पकाएगी, तो बाद में काम के लिए हमने टी और टू लगाना है और टू बेक द ब्रेड। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि जो सबसे पहले काम होता है उसका टेंस के मुताबिक आपने ट्रांसलेशन करनी है, जो बाद में काम होता है उसके पीछे हमने टी ओ टू लगा देना और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है, ये इसका रोल होता है। आप यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा समझा दें, यहाँ पर स्कूल जाकर उसने किताब खोली, अब इसमें एक इसकी निशानी ये होती है, एक फिक्रे में एक कर आता है और दूसरा उसमें एंड पर आके कोई वर्ब लगा होता है, कोई फेल होता है, स्कूल जाकर, जहाँ जिस सेंटेंस में आपने कर देखा है ना कर, और उसके आगे एक और फेल लगा हुआ है, तो उसका कुछ यूं तर्जमा करते हैं, सबसे पहले काम क्या हुआ है, सबसे पहले उसने किताब खोली या स्कूल गया, सबसे पहले वो स्कूल गया है। अब मैंने क्या कहा था, जो सबसे पहले काम हो उसका तर्जमा इंग्लिश में सबसे पहले करते हैं, तो इसका जिसके साथ कर हो ना कर, उसके वर्ब के साथ आपने आई एन जी लगाना है, जिसके साथ कर हो उसके साथ आपने उसके फेल के साथ क्या लगाना है, आई एन जी, यानी कि यहाँ पर कर रहा है तो स्कूल जाकर, यहाँ पर क्या आएगा, गो टू स्कूल आएगा, लेकिन मैंने कहा आई एन जी साथ लगाना है, तो यहाँ पर हम लगा दें गोइंग टू स्कूल। अब स्कूल आ गया, गोइंग टू स्कूल, उसने किताब खोली, अब आगे वाला बिल्कुल टेंस के मुताबिक हम तर्जमा करेंगे, जो बाद में काम होता है वो उसका टेंस के मुताबिक तर्जमा होता है, तो ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनेट है, ही ओपन द बुक, ही ओपन द, यहाँ पर ये इसका बिल्कुल इस तरह ट्रांस। अब दूसरा कर लेते हैं, नाश्ता करके वो स्कूल चला जाता है, अब सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, उसने नाश्ता किया है, तो जिसके साथ कर आ जाए तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन जी, नाश्ता करने की इंग्लिश क्या होती है, टेक ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन यहाँ पर टेक की जगह मैं क्या लगाऊंगा, आई एन जी साथ इजाफा कर दूंगा, तो टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो टेकिंग ब्रेकफास्ट, उसके बाद वो स्कूल चला जाता है, ये टेंस के मुताबिक होगा, ये चला जाता है, ता है आगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, टेकिंग ब्रेकफास्ट ही गोज टू स्कूल। तो ये इस तरह आपने करना है कि जो सबसे पहले काम हो, आप उर्दू में पता चले कि सबसे पहले उसने बाजार गया, तो जो सबसे पहले काम होता है उसका टेंस के मुताबिक आपने तर्जमा करना, आई गो टू बाजार, मैं उसको बाजार जाता हूँ, अब बाजार क्या करने गया, दूध खरीदने, तो नून अलिफ ने ये आ गई, तो टू बाय मिल्क, इसी तरह बिल्कुल ये, और जहाँ जिसके साथ कर लगा हो तो जो पहले हमने लगाना वो आई एन जी का इजाफा कर देना, गोइंग टू स्कूल ही ओपन द बुक, और इसी तरह टेकिंग ब्रेकफास्ट ही गोज़ टू स्कूल। तो ये थे कुछ फिकरात जो बड़े इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, तो जी ये कुछ सेंटेंसेस हैं, फिकरात हैं, उसे मेरी मदद करना पड़ेगी, हमने पहले मुझे इम्तिहान देना पड़ता था या पढ़ा या मुझे इम्तिहान देना पड़ता है, तो पढ़ता है हैव टू या हैज़ टू, और मुझे इम्तिहान देना पड़ा हैड टू का इस्तेमाल, और अब हम मुझे इम्तिहान देना, मुझे उसे मेरी मदद करना पड़ेगी, जहाँ पर भी आपको पड़ेगी यानी कि मुस्तकबिल का फिक्रा होगा, तो फ्यूचर का सेंटेंस होगा, तो वहाँ पर आपने इसको किस तरह सोल्व करना, उसे मेरी मदद करना पड़ेगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है,
उसके बाद विल हैव या शैल हैव आता है, विल हैव टू या शैल हैव टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल हैव या शैल हैव, शैल हैव और प्लस टी और टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आया उसे मेरी मदद करना पड़ेगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले सब्जेक्ट है वो यानी कि ही या शी है, ही। तो यहाँ पर क्या है, उसे ही के साथ क्या आता है, विल आता है या शैल, तो ही के साथ विल आता है, ही विल हैव। यहाँ पर आपने ये ज़हन में रखना है विल हैव शैल हैव होता है, यानी कि हमेशा हैव आएगा इनके आगे, हैज़ नहीं आएगा। तो ही विल हैव, तो क्या ही विल हैव टू, और क्या करनी पड़ती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पर वर्ब क्या है, मदद, मदद उसे, ही विल हैव टू हेल्प। यहाँ पर किसकी मदद, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी यानी कि मी, एम मी, मी। और ये जो होता है इसको हम जब आई को एंड पर लिखते हैं तो तब वो मलकिया जाहिर करने के लिए तब वो मी में चेंज हो जाता है। तो ये इसी तरह अगर हम यहाँ पर इसको मैं नेगेटिव में ले जाऊँ तो यहाँ पर ही विल, ही विल नॉट हैव, फिर विल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बाकी सारा फिक्रा बिल्कुल उसी तरह। तो मैं खाना खाया करता हूँ, अब ये थोड़ा सा उन सब से डिफरेंट है, मैं खाना खाया करता हूँ यानी कि ये किसी मामूल रेगुलरिटी की बात कर रहा है कि मैं ये काम किया करता हूँ। तो यहाँ पर ये आ जाना या अलिफ ये वाला और आगे फिर ता करता हूँ, तो यहाँ पर वहाँ पर इस सेंटेंस कुछ और तरह से बनेगा। वहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम किया करता हूँ, खाया करता हूँ, रोया करता हूँ, तो वहाँ पर हम लिखेंगे यूज़ टू, यूज़ टू। जहाँ पर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर यूज़ टू का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे कि मैं खाना खाया करता हूँ, मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है यूज़ टू, यूज़ टू वैसे कि वैसे आ गया फर्स्ट फॉर्म खाना खाना। आई यूज़ टू ईट, क्या खाता हूँ, मील। तो यहाँ पर इसका ये जुमला बनेगा, अगर आप नेगेटिव नार लगा दें और वहाँ पर अगर क्वेश्चन वाला लगाना है तो यहाँ पर इसको पहले ले आए यहाँ पर। तो मैं खाना खाया करता था, ता था का खाया करता था, मतलब ये माजी की एक मामूल आदत, मैं नमाज पढ़ा करता था, ये पहले मैं उसे सोचा करता था, मैं रोया करता था। तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट बिल्कुल वैसे और उसके बाद हम यूज्ड टू लगाएंगे, यानी यहाँ पर यूज़ टू लगाया तो यहाँ पर यूज्ड टू लगाएंगे। यहाँ पर ये माजी क्योंकि ता था आ गया, यहाँ हूँ है, तो यहाँ पर इसलिए ये भी माजी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई और यूज्ड टू आ गया, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ खाना खाया करता था वही ईट, उसके बाद मील। तो ये स्टूडेंट्स आप इनको इग्नोर ना कीजिएगा और ना ही इनको हम समझेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आपको सेल्फ राइटिंग में बहुत मदद करते हैं। तो मेरे जो चैनल है प्रोजेनी स्टूडेंट्स, इसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ है वो मिलती रहें। तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी मुफीद ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, जीनियस मेथड मिलेंगे, इम्तिहान देने के तरीके और पढ़ने के तरीके, ये सब चीज़ें शॉर्ट ट्रिक्स के हवाले से आपको दी जाएंगी। तो मैं हूँ आपका मेज़बान वकास असगर, हमारे साथ जुड़े रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।